हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल इट्स फूड टाइम। होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत मॉइस्ट बनती है। साथ में इसकी चॉकलेट आइसिंग भी बना रही हूँ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इस रेसिपी को बनाने के लिए 170 ग्राम मार्जरीन के यूज़ करेंगे, रूम टेम्परेचर हो। अब मैं इसमें 3/4 कप चीनी का यूज़ करूँगी। ये कैस्टर शुगर है, इसका मतलब ये है कि ये चीनी दानेदार भी ना हो और पाउडर भी ना हो। इसमें मार्जरीन का यूज़ करी हूँ, 170 ग्राम में इतना फैट नहीं होगा, क्योंकि मार्जरीन वेजिटेबल फैट से बनती है। अगर आप लोग बटर यूज़ करेंगे तो बटर कम यूज होगा। आप मैं इसमें 1 कप ऑल पर्पज फ्लावर डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून, आधी टीस्पून से कम बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 पिंच नमक। नमक इसलिए डालेंगे क्योंकि इसका टेस्ट एनहेंस हो जाएगा। 2.5 टेबल स्पून कोको पाउडर, 3 एग, स्लो स्पीड में बीट करेंगे। इसका टेक्सचर ऐसे ही थोड़ा सा हार्ड होगा, इसे ओवर मिक्स नहीं करेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून दूध भी डालेंगे, इसे ओवर मिक्स नहीं करेंगे। अब ये रेडी है। 8 इंच स्क्वायर पैन का यूज कर रही हूँ मैं। पहले इसे ग्रीस करेंगे। आप लोग बटर के साथ भी कर सकते हो, ऑयल के साथ भी कर सकते हो। मैं नॉर्मली ऑयल के साथ ही करती हूँ। इसमें मैं कुछ फ्लोर डाल रही हूँ, वही ऑल पर्पज फ्लोर। इस तरह इसमें फ्लोर लगाएंगे। उसके बाद मैं इसमें बटर पेपर भी लगा रही हूँ ताकि ये स्टैक ना हो। अब इसे मैं प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री सेल्सियस में 35-40 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। और जब तक अगर कोई टूथपेक डालें वो क्लीन निकले, इट मीन्स कि ये अच्छी तरह से बेक हो जाए। मैं इस मोल्ड के साथ रखूंगी जब तक ये ठंडा हो जाए। अब इस केक के लिए चॉकलेट आइसिंग बना रही हूँ, तो उसके लिए 1 कप आइसिंग शुगर को मैंने सिफ्ट किया है, वो डाल रही हूँ। आप लोग सिफ्ट कर दीजिएगा। इसके साथ ही इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर डालूंगी, 2-3 टेबल स्पून तक पानी डालूंगी। बॉइलिंग वाटर है ये, आप लोग मिल्क का भी यूज कर सकते हो। एक और टेबल स्पून। ये हमारा चॉकलेट ग्लेस रेडी है। अगर आप लोग मिल्क यूज करते हो तो वो भी गर्म यूज करें।